नमस्कार और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो बर्थ चार्ट एनालिसिस के सीरीज़ में जो ये नया चार्ट जो हम ले रहे हैं वो वॉरेन बफेट का है। तो वॉरेन बफेट के चार्ट को फिर मैंने इंटरनली काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया था, उसको काफ़ी अच्छे से देखा, बर्थ टाइम रेक्टिफाई करने की भी कोशिश की, और उसके बाद जा करके जो मुझे कन्विंसिंग लगा वो ये था कि इनका धनु लग्न रहा होगा और धनु लग्न की कुंडली इनकी रही होगी। और उसके बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट भी थे, बहुत सारे कारणों से मुझे लगा। तो एक एक करके हम सारे जो पॉइंट्स है उसको एनालाइज करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि यहाँ पे जो इनका काम है इन्वेस्टिंग का इन द सेंस कि किसी बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद वो बिजनेस ग्रो कर जाता है तो उसका जो रिटर्न इनको मिलता है उस बेसिस पे ये पैसे कमाते हैं। इनका पहले कुछ और भी रहा था, पार्टनरशिप में, इन्वेस्टिंग में और बहुत से अलग दूसरे काम में भी। तो मैं ये बताता हूँ कि मुझे ये वाला कन्विंसिंग क्यों लगा और दूसरे वाला कन्विंसिंग क्यों नहीं लगा। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा नाड़ी शीट खोलते हैं, नाड़ी शीट खोल करके यहाँ पे देखते हैं कि क्यों ऐसा था। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे 20 मिनट पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे ये वृश्चिक लग्न का आ जाता है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था, अगर किसी इंसान का ये देखना है कि वो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि लग्न के आसपास यहाँ पे पापी ग्रह बन रहे कि नहीं। तो एक तो यहाँ पे लग्न के आसपास पापी ग्रह बन रहे थे और दूसरा ये कि सप्तम के आसपास भी पापी ग्रह बन रहे थे। अब होता क्या है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हो और बिजनेस में आपको सामने वाले के साथ इंटरेक्ट करना है, ये जो पाप का त्रियोग बनता है ये क्या करता है ना कि आपका जो बिजनेस होता है उसको फलने नहीं देता। अगर यहाँ पे देखे कि सप्तम का जो स्वामी है वो भी नीच का, भले ही उच्च के मरकरी के साथ है लेकिन है तो नीच का, नीच दोष भंग होता है, लेकिन वो करता क्या है कि अगर आपका कुछ बुरा होगा बुरा करके फिर कुछ अच्छा करेगा, नीच दोष ऐसे भंग होता है। दूसरा ये कि लग्न में पाप का त्रियोग, फिर यहाँ पे सप्तम में पाप का त्रियोग। लग्न में पाप का त्रियोग होने से होता क्या है कि इंसान के जो एक तो कहिए कि उसका जो वाणी जिस तरह से वो बात करता है वो एक बहुत ज़्यादा हार्श होगा, और दूसरा ये कि अपने कंफर्ट को छोड़ देगा, केतु जहाँ पे आपका होता है वहाँ से आपको डिटैच कर देता है। तो दिस इज़ द हाउस ऑफ अल्टीमेट प्लेजर्स। तो यहाँ से अगर यहाँ पे अगर केतु आ जाता है तो फिर आपको जो नींद अच्छी है जो आपकी होनी चाहिए आपको नींद अच्छी नहीं देता। तो ये एक फैक्टर, और उसके कारण होता क्या है ना कि आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में ही चला जाता है उसका। और एक तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो भाग्य का स्वामी बन रहा है और लग्न में बैठा हुआ है नीच का होकर के, और उसके ऊपर उसका पाप का त्रियोग बन रहा है, और उसके सामने भी जो ग्रह बैठे हुए हैं वो भी पापी ग्रह है। जुपिटर यहाँ पे है चंद्रमा से अष्टम, लेकिन जो ऑपोजिट में जो पापी ग्रहों का प्रभाव है वो ज़्यादा है। तो इस कारण से यहाँ पे ये भी लगता है कि चंद्रमा भी वीक हो गया, भाग्य भी वीक हो गया। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा नहीं। इवन तो अगर आप यहाँ पे देखें कि कुछ अच्छे योग बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अष्टमेश का एकादश में चले जाना, विच मीन्स की स्पेकुलेशन से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन ओवरऑल अगर ऐसे पर्सनालिटी को देखें जहाँ पे लग्न में पाप का त्रियोग बन रहा है, लग्न में पाप का त्रियोग का मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान अपने लिए अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारने वाला है। तो ये होता है। और दूसरा ये कि सप्तम भाव में पाप का त्रियोग बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि अपना जो ये रिलेशनशिप है, अपना जो पार्टनरशिप है, ये उसको खुद ही बर्बाद कर देगा। तो इस कारण से मुझे ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगा नहीं। और दूसरा ये कि बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ रहे हैं 6, 7, 10, 11, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा उतना मुझे कन्विंसिंग लगा नहीं। सो दैट्स वाई आई थॉट कि नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद जब मैं तो ट्रेडिशनली जो एक्सेप्टेड इनका है वहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे जब मैं आप कोऑर्डिनेट्स को देख रहा हूँ तो 6, 10, 11 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। वीनस यहाँ पे है 6, 10, 11, और होता क्या है कि वीनस जैसे दशा में अगर आपका 6, 10, 11 आ जाता है केतु जैसे यहाँ पे, तो आपका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस होता है। ये धनु लग्न में एक बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे इनको वरदान मिला हुआ है कि छठे का स्वामी और एकादश का स्वामी दोनों ही शुक्र बनते हैं, और शुक्र यहाँ पे दशम भाव में, यहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ नीच दोष भंग हुआ। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि शुक्र के अगर आप डिग्रीज देखें तो ये यहाँ पे 29 डिग्रीज के, विच मीन्स दैट ऑलमोस्ट इट हैज़ रीच दी मार्क ऑफ कंप्लीशन ऑफ दिस साइन। अब ये कुछ टाइम बाद यहाँ पे आगे चला जाएगा, तो इन दैट वे तो एक तरह से नीच दोष मूनलेस भंग हो ही गया है, और जो राशि स्वामी है दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी पॉजिटिव। तो यहाँ पे मुझे ये लगा कि हाँ इस ये कुंडली होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा एक और चीज़ देखे, जो हम कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाना, मतलब कि धन है धन का ही लाभ करवा देना, तो पैसे से पैसा बनाना मतलब कि धन और लाभ में आपका एक कम्बिनेशन कुछ एक होना चाहिए, इसको हम लोग कहते हैं ज्योतिष की भाषा में धन योग।
जब पैसे से पैसा बनता है, एकादश और द्वितीय का स्वामी एक साथ अगर आपस में बैठ जाता है, अगर इसमें दृष्टि संबंध हो जाता है, तो ये होता है कि पैसे से पैसा बनाना, और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो दूसरे का स्वामी है वो शनि यहाँ पे बनता है लग्न में बैठ करके, यहाँ पे शुक्र को दृष्टि दे रहा है, तो एक तरह से ये धनयोग का निर्माण तो हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे अगर एक और चीज़ आप देखें तो लग्न में यहाँ पे शनि बैठा है और इसके ऊपर जुपिटर की दृष्टि है, लग्नेश बन करके लग्न को बल दे रहा है, तो विच मीन्स दैट एज द टाइम प्रोग्रेसेस तो इनका जो लाभ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है, इन्वेस्ट करके कहीं पैसा कमाना, दैट इज़ अ लिटिल अनऑर्थोडॉक्स। वो होता क्या है कि वो कन्वेंशनल तरीका नहीं होता। कन्वेंशनल तरीका ये होता है कि आप कोई ऐसा चीज़ ढूंढो जिसमें आपका आपकी इच्छा काफ़ी ज़्यादा हो, जो आप करना चाहते हो, और उस बेसिस पे फिर आप ग्रो करो। इन्वेस्टिंग ऐसा होता है कि किसी का बिजनेस आपको अच्छा लगे और उस बिजनेस में आपने पैसे डाल दिए और वो बिजनेस ग्रो कर गया तो आप भी ग्रो कर गए। तो जो अनकन्वेंशनल काम होता है वो यहाँ पे अष्टम भाव और द्वादश भाव से आता है। यहाँ पे देखिए कि अष्टम का जो स्वामी है वो द्वादश में जा करके बैठा हुआ है, तो ये योग मैं ख़राब तो नहीं बोलूँगा। इसका ये है कि इन शॉर्ट टर्म ये आपको थोड़ा प्रॉब्लम देगा, लेकिन इन लॉन्ग रन, क्योंकि ये एक होता है कि इन डेप्थ एनालिसिस करने का, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, तो उस हिसाब से ये कॉम्बिनेशन अच्छा बना है और एक तरह से इनको आगे चल के लाभ देगा। तो ये तो हुआ एक ओवरऑल सर्फेस लेवल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग कुछ और भी एस्पेक्ट्स को देखते हैं। एक तो ये कि यहाँ पे शनि और मंगल का योग बन रहा है, विच मीन्स दैट ही इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव पर्सन, कैलकुलेशन करने में ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। और एक तो ये कि यहाँ पे जो जुपिटर है दैट इज़ एस्पेक्टिंग द एसेंडेंट, सो ही विल फाइंड लग्जरीज फॉर हिमसेल्फ। ये अपने आप को ऐसे ही बना लेंगे कि जिसके कारण से विद टाइम इनको, इनके लिए जो लग्जरीज है दैट विल हेल्प हिम टू दैट विल सपोर्ट हिम अलॉट। दूसरा एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो सप्तम का जो स्वामी है, सप्तम का स्वामी, दशम का स्वामी और एकादश का स्वामी, इन तीनों का एक तरह से यहाँ पे ये युति बन रहा है। ये युति बनने का एक और आप समझ सकते हो कि सप्तम और एकादश का अगर युति बन गया तो इसका मतलब ये कि शादी करने के बाद ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं अपनी लाइफ में। शादी के बाद, विवाह के बाद इनका प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो एक योग यहाँ पे ये बन गया। धनयोग तो यहाँ पे बना ही, और साथ ही साथ मैंने जैसे आपको बताया कि पंचम का स्वामी और लग्न का स्वामी अगर एक साथ यहाँ पे हो जाए तो दैट इज़ ऑल्सो प्रेटी गुड। ये भी काफ़ी अच्छा लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे देता है, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे लग्न को बल दिए जा रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा विच विल गिव हिम अ लॉट ऑफ सपोर्ट। कुंडली वाइज अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में हम लोग देखें तो बहुत जगह 6 10 11 6 10 11 6 10 11 हर जगह भरा हुआ है, और ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो ये तो एक इस पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने देखा कि कोऑर्डिनेट्स क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखे तो स्पेकुलेशन का क्या होता है ना कि 5 8 और 5 12, तो 5th हाउस जो होता है वो स्पेकुलेशन का होता है, 12th हाउस जो होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है, और उसके साथ साथ उसके थ्रू जो आप गेन कमा रहे हो जैसे 6 10 11, तो ये कॉम्बिनेशन अगर एक साथ मिल जाता है तो विच सजेस्ट कि यहाँ पे स्पेकुलेशन के थ्रू पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांस है। स्पेकुलेशन प्लस इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट, तो इस तरह से अगर आप इसको देखते हो तो इन दैट इट इज़ अ प्रीटी पॉजिटिव चार्ट। अब इनके कुछ लाइफ इवेंट्स पे आ जाते हैं ये बताने के लिए कि कैसे मुझे लगा कि हाँ यही इनका चार्ट सही है और क्यों दूसरा कोई चार्ट इनका हो नहीं सकता। तो आइए कुछ इनके लाइफ इवेंट्स पे हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। अब ये मैं इनके विकिपीडिया पेज पे आया हूँ, और विकिपीडिया पेज पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इनकी शादी हुई थी 1952 में। यहाँ तक तो इनका मतलब कि बहुत ज़्यादा करियर इनका एडवांस नहीं हुआ था और काफ़ी कुछ चेंज नहीं हुआ था, लेकिन अगर आप इसको दशा से हम लोग अगर इसको कोरिलेट करके देखें तो वी विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। ये कैसे होगा, यहाँ हम लोग इनके अगर दशा में आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1952 के आसपास इनको क्या दशा चल रही थी, तो यहाँ पे इनको मरकरी में सैटर्न चल रहा था, तो विच वाज टुवर्ड्स इट्स एंडिंग फेज, ये हुआ। और इसके बाद से अगर आप देखें तो केतु वाला जो फेज है, केतु वाला इनका काफ़ी एक अच्छा समय शुरू हो गया था। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 6 10 11 का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट का भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे योग बन रहा है। तो विच सजेस्ट कि यहाँ पे जैसे ही इनकी शादी हुई और शादी होने के बाद इनको केतु लगा, उसके बाद से इनका जो ग्रोथ था वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस रहा। और ये योग मैंने बताया भी था कि अगर
सप्तम का स्वामी वो एकादश के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे कोई एक अच्छा योग बना ले, तो ये योग आपको इंडिकेट करता है कि हाँ शादी होने के बाद आपका जो राइस होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, विच वॉज प्रेटी एविडेंट। अब अगर हम लोग इनके और भी सारे जो दूसरे लाइफ इवेंट्स को अगर कंसिडर करें देखें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसके बाद फिर इनका जो राइस था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ। आप कुछ देर के लिए स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और ये सारे अचीवमेंट्स आप देख सकते हैं। सो जस्ट एग्जैक्टली आफ्टर ही मैरिड, ही गॉट मैरिड, उसके साथ उसके बाद काफ़ी कुछ अच्छा हुआ। एंड बट बाय द टाइम 1962 आता है, ही वॉज ऑलरेडी अ मिलियनेयर, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आप सोचो कि शादी के 10 साल के अंदर कोई मिलियनेयर बन जाता है, तो इन दैट वे मैरिज हैज़ बिन क्वाइट लकी फॉर हिम। और अगर आप इसको चार्ट के पर्सपेक्टिव से फिर हम लोग रिलेट करके देखें तो यहाँ पे भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो केतु का तो एक फेस मैंने बताया कि ये वेल्थ जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा था, ये एकादश भाव में भी बैठा था और एकादश का स्वामी यहाँ पे एक अच्छा योग बना रहा था। इसके बाद का अगर आप फेस देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि वीनस यहाँ पे सेम कोऑर्डिनेट्स लेकर के बैठा है, 6, 10, 11, 5, 7 एंड 12। तो मतलब कि पार्टनरशिप, स्पेकुलेशन एंड इन्वेस्टमेंट, इसके थ्रू जो इनका गेन बनता है दैट विल बी ह्यूमंगस, बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर जाएंगे। और यहाँ पे टू बी लकी, टू बी वेरी वेरी लकी, यहाँ पे अगर आप देखो तो इनको यहाँ पे 20 साल की शुक्र की दशा लग गई और यहाँ पे शुक्र के कोऑर्डिनेट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि इनका जो राइज था वो इतना ट्रेमेंडस था, इतना ज़्यादा हुआ कि बाई एंड ऑफ दिस वीनस दशा ही वॉज ऑलरेडी अ बिलियनेयर और बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से ही वॉज डूइंग एक्सट्रीमली गुड और देर वॉज नथिंग टू स्टॉप हिम। यहाँ पे अगर आप देखो तो वीनस की दशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी थी फॉर वेल्थ जनरेशन, फिर सूर्य भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजिशन में रहा। चंद्रमा वाला जो दशा है आई वोंट से कि ये बहुत ही अच्छा रहा होगा, बहुत ग्रेट रहा होगा, लेकिन तब तक जा कर के इन्होंने इतना ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर लिया होगा कि मतलब कि अगर थोड़ा बहुत ख़राब फेज आ भी जाता है तो इट डजेंट मेक एनी मेजर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। यहाँ पे एक मेजर चेंज आता है जो कि राहु की दशा में होता है। राहु की दशा में अगर आप देखें तो यहाँ पे 2003 से 2006 के आसपास बहुत सारे कुछ मेजर चेंज इनके लाइफ में रहे होंगे और एक जो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनके लाइफ में आता है वो ये होता है कि 2008 के आसपास जो ग्लोबल रिसेशन आया था यूएस में, स्पेसिफिकली वो जो हिट हुआ था, तो उनका जो एक पूरा पोर्टफोलियो था दैट वाज हिट बाय अ लॉट ऑफ मार्जिन। लेकिन उसके ठीक बाद विद इन दैट फेज ही बिकेम द रिचेस्ट पर्सन इन द अर्थ, रिचेस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ जस्ट इन दिस राहु सैटर्न फेज। मैंने एक चीज़ बोला है कि राहु और सैटर्न, अगर इन दोनों ग्रह में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और ये फेज़ अगर आपके लाइफ में आ जाता है तो इस ये आपको जो ग्रोथ देता है ये बहुत ही ज़्यादा देता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दे देता है। तो ये चीज़ इनके लाइफ में हुआ। बट इवन इसके बाद हुआ क्या कि कुछ ही टाइम के बाद फिर बिल गेट्स ओवरटेक कर लेते हैं इनको, शायद 1-2 साल के अंदर ही। बट इवन देन आई वुड से आप सभी को पता होगा कि उसके बाद भी ये काफ़ी टाइम तक एक ही वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ। और इसके बाद का जो फेज है राहु वीनस वाला, इवन दैट वॉज क्वाइट गुड। यहाँ पे इसके ठीक पहले यहाँ पे राहु केतु में और राहु वीनस वाले फेज में इस ट्रांसिट के आसपास इन्होंने बहुत ज़्यादा कहीं पे इन्वेस्टमेंट भी किया होगा, विच वुड हैव ग्रोन अ लॉट। तो ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा योग एक तरह से बन रहा है। करंट दशा में आते हैं तो विच इज़ अ जुपिटर दशा, विच इज़ नॉट वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी पर्सपेक्टिव, या फिर ऐसा है कि अपने ग्रोथ, अपने जो वेल्थ को है वो आप बहुत ज़्यादा ग्रो करवा लो, वैसा कुछ नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ अ कंफर्टेबल लाइफ कि यहाँ पे मतलब कि अचीव करना था वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, अब तो मतलब कि टू जस्ट फॉर द कम्फर्ट आई एम लिविंग लाइफ माई लाइफ। तो यहाँ पे अभी ये सिचुएशन इनका बना हुआ है। तो ओवरऑल मैं बहुत सारे और भी पॉइंट्स ऐड कर सकता था इनके चार्ट्स के लिए, लेकिन बिकॉज आई हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट सो आई हैव टू स्टॉप नाउ। लेट मी नो इफ़ यू वांट टू हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑन दिस, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, लाइव आ करके कोई एक एनालिसिस करूँ, सो डू लेट मी नो दैट एज वेल इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस इनके चार्ट का। डू लेट मी नो कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चार्ट दैट यू वांट टू सी ऑन दी बर्थ चार्ट एनालिसिस सीरीज़। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।